तो यहाँ पे आधार कार्ड का प्रोसेस बताएंगे कि आधार कार्ड न्यू कैसे बनाना है या फिर अपडेट कैसे करना है, या फिर बच्चों का आधार कार्ड कैसे बनाना है न्यू, या फिर बड़ों का कुछ भी अपडेट करना हो, या फिर इसका आईडी कैसे लेना है, इसका प्रोसेस क्या है, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, और सबसे मेन टॉपिक होता है कि इनका जो डॉक्यूमेंट्स होता है एनरोलमेंट फॉर्म जो पीडीएफ होता है, जो जेरोक्स निकालते हैं हम लोग और उनको भरते हैं, जो फॉर्म लगता है बनाने के टाइम वो कैसे फिलअप किया जाता है, वो चीज़ मेन चीज़ होता है वो फिलअप करने वाला कि आप कैसे फिलअप करते हैं। वो ऑपरेटर अगर ध्यान नहीं देगा तो वो ब्लैक लिस्टेड भी हो सकता है, क्योंकि वो सारा भार उनको है कि वो अच्छा से चेक करे वो फॉर्म, इनरोलमेंट फॉर्म प्लस में जो मुखिया का फॉर्म होता है, विलेज पंचायत फॉर्म होता है, या फिर सर्टिफिकेट जो भी हो प्रूफ के लिए, तो वो दोनों फॉर्म आप लोगों को चेक करना होगा अच्छे से। तो चलिए आप लोगों को हम बताएंगे आधार के बारे में कि इसका कैडेंशियल कैसे बनता है, और कैडेंशियल बनाने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और इनका जो ऑफिस है कहाँ पे है, कहाँ पे जमा करना पड़ता है, क्या क्या प्रोसेस है, तो ए टू जेड हम बताएंगे। तो अभी हम फिलहाल बात करने वाले हैं इसमें कि आधार कार्ड के बारे में कि जिसका चालू हो चुका है वो अच्छा सावधानीपूर्वक से काम करें, नहीं तो ब्लैक लिस्ट होने का चांसेस बहुत अधिक होती है इसमें। तो कैसे फिलअप करना है चलिए थोड़ा सा इसमें जानकारी हम बता देते हैं, इसके बाद अलग से हम फ्रेश अच्छा से वीडियो एक बना देंगे पार्ट वाइज प्ले लिस्ट पार्ट वाइज करके, तो आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। हाँ एक चीज़ आप लोग चैनल पे बने रहिएगा, बेल आइकन सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह यूजफुल वीडियो हम अपना चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। जैसे ही हम अपलोड करेंगे तो आप लोगों को प्लस बेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा तो, और वीडियो लाइक भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह यूजफुल वीडियो और सही सही जानकारी वीडियो लाते रहते हैं इस चैनल पे। इसके साथ साथ हम बहुत चीज़ों का आईडी भी देते हैं, जैसे बैंकिंग से रिलेटेड, एपीएस रिलेटेड, फिनो पाम आईडी जो कि एक घंटा में आपका पैन कार्ड प्राप्त हो जाता है, उस चीज़ों का आईडी मतलब वोटर कार्ड खो गया है, पैन कार्ड खो गया है, पैन कार्ड का नंबर जानना है, अगर कुछ भी डिटेल नहीं फिर भी आपका पैन कार्ड का नंबर मिल जाएगा। तो इस तरह अच्छी अच्छी हम आईडी मतलब देते हैं, सेल करते हैं, आईडी क्रिएट करते हैं, तो आप लोग हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में अच्छी अच्छी वीडियो का लिंक और मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ जाके ज्वाइन हो सकते हैं और जुड़ सकते हैं, कुछ भी नोटिफिकेशन आएगा हम आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर देंगे, और इसका एक पार्ट वाइज हम वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पे देखिए कि कैसे फिलअप करना है उसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी देते हैं, इसका एक फ्रेश वीडियो हम बनाएंगे तभी उसमें डिटेल बता देंगे, और इसमें शायद दिख नहीं रहा, हम मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब जो डेस्कटॉप का है उसका रिकॉर्डिंग इसको डाउनलोड करके वहाँ से रिकॉर्ड करेंगे ताकि अच्छा क्वालिटी में आए और साफ दिखे। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि एड्रेस जो आप लोग फिलअप करते हैं वो सावधानीपूर्वक करें, ग्राम लिख के GRAM ग्राम इस तरह लिख के फिलअप करना पड़ता है। डायरेक्ट आप लोग जहाँ पे स्टार मार्क है वो सब तो ऑटोमेटिक फिलअप होगा जब पिन कोड आप लोग डालते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जहाँ पे स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है तो वहाँ पे भी आप लोगों को फिलअप करना है, लैंडमार्क एरिया लोकेलिटी सेक्टर इस सब में। तो क्या करना है कैसे करना है चलिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि इसमें बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए हम अगला नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ सारा चीज़ आप लोगों को बता देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका आईडी लेने के लिए वो भी बताएंगे अलग से, तो यहाँ पे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा अगर आप लोग एड्रेस चेंज कराना चाहते हैं, या तो जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो उसका आधार कार्ड बनेगा या नहीं बनेगा, सारा प्रोसेस बताएंगे इसी चैनल पे के माध्यम से, जुड़े रहिएगा, अलग अलग वीडियो मेरा चैनल पे आते रहेगा। तो कौन सा डिवाइस लेना है जो कि अच्छा काम वर्क करे, फिंगरप्रिंट किट, आयरिस, GPS, वेब कैमरा जो भी है इससे रिलेटेड, जो जितना भी सिस्टम है इसमें जो जो यूज होता है उसमें से कौन सा कंपनी का कौन सा ब्रांड का लेना है उसका रिव्यू हम कर चुके हैं, चैनल पे जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है उसका। तो कोजेन का सबसे अच्छा होता है किट, इसके वेब कैमरा जो है वो लॉजीटेक का होना चाहिए, और किट जो है कोजेन का होना चाहिए, कोजेन कंपनी का सबसे बेस्ट रहता है और सबसे अच्छा होता है। जो भी प्राइस पड़ेगा आप लोग दुकान में जाके पता कर सकते हैं या तो ऑनलाइन भी पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इनरोलमेंट इसका सक्सेसफुल हो चुका है, यहाँ पे सेव कर लेते हैं डाटा इसका, सारा चीज़ कंप्लीट हो चुका है। चलो थैंक यू, अगला वीडियो हम बहुत ही जल्द लाने वाले हैं, वीडियो पे बने रहिएगा, थैंक यू।